नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्यों से मैनपुरी कोतवाली और गिरोर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। उस्मा क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान बदमाशों की फायरिंग से पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। घेराबंदी के दौरान सातिर लुटेरा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके दो साथी भाग निकले। आरोपी से तमंचा, सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल आदि बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ मैनपुरी और अन्य जिलों में 29 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें, पुलिस लाइन के सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार ने बताया कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली की टीम गश्त पर गई थी। तभी कोसमा चौकी प्रभारी अभिमन्यु मलिक ने जानकारी दी कि कोसमा से ग्राम नगला दौलत जाने वाले मार्ग पर तीन बदमाशों का पीछा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर दौड़ लगा दी। पुलिस टीमों ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो आरोपी खेतों में भागने लगे। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया, दो भाग निकले। जनपद मैनपुरी के थाना घिरोर और थाना किसनी में दो लूट की वारदातें हुई थी। एक घटना 6 तारीख को हुई थी और एक 7 तारीख को हुई थी, और मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने ये घटनाएं की थी। आज थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अपने सक्रियता के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, और इसको गिरफ्तार करके इससे पूछताछ कर और जो लूट में माल था उसको बरामद किया है। इसे जिला कारागार भेजा जा रहा है। इसमें कितने मुकदमे हैं? इसमें लगभग 28 मुकदमे पंजीकृत हैं, और इसके जो जो साथी हैं उनकी भी अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।